तो अगला जो सवाल है काफी रोचक है। यहाँ देखो, एक क्वाड्रेटिक है तुम्हारे पास, भयंकर सी। ठीक है क्या क्वाड्रेटिक? अभी तुम्हें तो नहीं दिखाई दे रही होगी, मैं इसे फिर से लिख कर दिखाता हूँ। हैज़ एटलीस्ट वन रूट, देन फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, टिपिकल सवाल है। देखो जरा किस प्रकार का है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू प्लस, एक लाइन में तो आएगा नहीं, प्लस ए माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर शून्य। पहले तो इस चीज़ को अगर ध्यान से अगर देखें तो समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये चीज़ हो क्या रही है करके। हैज़ एटलीस्ट वन रूट बोल रहा है कि इसका एटलीस्ट वन रूट तो है ना? इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स, ऐसा मामला है। ठीक है क्या? तो उसके बाद फिर किस तरह के ए होने चाहिए, ये इस पर बातचीत हमें करनी है। ठीक है, इसको देखो, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट अगर करता हूँ इस सब्सटीट्यूशन के साथ, मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, जो कि मेरी फेवरेट क्वाड्रेटिक है, उसको अगर मैं वाई अगर रख लूँ, ठीक है, तो इस चीज़ की शक्ल जो है वो कुछ तब्दील होगी इसमें। वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री वाई वाई प्लस वन, ठीक है, प्लस ए माइनस फोर वाई स्क्वायर बराबर शून्य। देख रहे हो क्या? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। अच्छा, इसमें एक चीज और, अगर तुम देखो जो वाई है वो क्या है, ये देखो, वाई इज नथिंग बट, ठीक है ना, यही है वाई। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? वाई एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है क्या? है ना, वाई ऐसा है और ये क्वाड्रेटिक है वाई में, तो ये मामला क्या है इसको, अब जो थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ तुम पाओगे वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस, इसको थोड़ा ठीक अगर हम लोग करें, है ना, क्या आ क्या रहा है वो मैं देखना चाह रहा हूँ एक्चुअल में। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस थ्री ऐसा, प्लस ए माइनस फोर वाई स्क्वायर बराबर शून्य, ये चीज़ आ रही है। ब्रैकेट अगर मैं ओपन अगर करता हूँ, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है क्या, माइनस थ्री वाई स्क्वायर जो आएगा वो बाहर का माइनस साइन के साथ प्लस थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री वाई विल बिकम प्लस थ्री वाई। ठीक है क्या? प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर बराबर शून्य, ये इतना आ जाता है। तो इसको हटा लेते हैं अपन, और क्या क्या कर सकते हैं? देखो देखो, ये हो गया वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, दिख रहा है? अब देखो और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, देखो टू वाई थ्री वाई फाइव वाई हो गया, फाइव माइनस ए टाइम्स वाई, वाई वाले सारे हटा लो, और क्या बचता है? देखो एक बचता है बस वन, ठीक है क्या, प्लस वन बराबर शून्य। अच्छा, इससे देखो वाई की क्या वैल्यू आ रही है, माइनस वन अपॉन फाइव माइनस ए, दैट इज़ नथिंग बट वन अपॉन ए माइनस फाइव, ठीक है क्या? और मुझे पता है वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, दिस नीड्स टू बी 3/4 से बड़ा होना चाहिए, समझ गए? बस हो गया, फिर मेरा गेम ख़त्म है। यहाँ देखो,
इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो ये चीज़ ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है क्या? सब्ट्रैक्शन मारो, ए माइनस फाइव माइनस फोर बाय थ्री, मैं आर एच एस में ज़ीरो क्रिएट करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस 15 19 बाय 3, समझ गया क्या? अच्छा, एक बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक, ठीक है, जो की है मैंने, बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक की है। यहाँ देखो, अगर तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त, ठीक, ये अभी तुरंत मेरे ध्यान में आया क्योंकि उससे अलग चीज़ें आएंगी, ठीक है क्या? ये बहुत ही क्लासिकल मिस्टेक है, ठीक है क्या? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लासिकल मिस्टेक्स, है ना? तो ये इसमें अगर इस तरह से तुम अगर ऐसा करोगे अगर, है ना, ये करते करते ही मुझे रियलाइज़ हो गया वैसे तो, ठीक है क्या, कि ये करते करते इसमें बहुत बड़ा कांड हो गया करके, क्योंकि ये चीज़ में मतलब दिस इज़ वेरी पॉपुलर सॉर्ट ऑफ मिस्टेक, ठीक है क्या? तो ये चीज़ इंटेंशनल तो नहीं थी करनी, बट ये ऐसी बात है कि मतलब तुरंत मेरे को मतलब जैसे दिख नहीं जाता है कि भाई यहाँ अरे ये क्या कर रहा हूँ। तो खैर, जैसे अगर तुम इस तरह की चीज़ अगर करोगे यहाँ पर, ये ऐसा 19 बाय 3 है ना, प्लस माइनस, ठीक है, अगर ये तुमने अगर मारा ऐसा, इसको क्लोज रख के, है ना, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 19 बाय 3, ये चीज़ अगर तुमने की, दिस इज़ इनकरेक्ट, ये पूरा कचरा है ये, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कचरा है, ठीक। देखो इसमें गलत क्या है, एक्चुअल में इनइक्वालिटीज़ को कभी भी इस तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ऐसा रेसिप्रोकल मार के, ऐसा इस तरह से। जो पहली स्टेप होनी चाहिए वो ये होगी तुम्हारी, आरएचएस में ज़ीरो क्रिएट करना, 1 अपॉन ए माइनस 5 माइनस 3 बाय 4, ठीक है, -3/4 हैज़ टू बी कहाँ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा दोनों साइड तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, समझ गए? ठीक है, दोनों साइड तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्लियर है? एलएचएस वाले पार्ट अगर वेरिएबल पार्ट है ना, सब्ट्रैक्शन करो, मैं बताता हूँ उसमें रेसिप्रोकल करने में क्या दिक्कत है, रेसिप्रोकल भी कर सकते थे भाई, क्या दिक्कत है रेसिप्रोकल करने में, है ना, इनइक्वालिटीज़ को रेसिप्रोकल करने में क्या दिक्कत है? लेकिन देखो लोचा है उसमें। अच्छा अभी देखो क्या होगा, एलसीएम उठाओगे तुम 4 टाइम्स a माइनस 5, ये चीज़ कितनी होगी, 4 माइनस 3 टाइम्स a माइनस 5, ऐसा आएगा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -3a+15 यानी 19, है ना, -4a-5 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये चीज़ कितनी हो जाएगी, -3a-19/3 -4 टाइम्स a-5 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों साइड अगर -3 से अगर डिवाइड अगर करते हैं तो ये चीज़ कितनी होती है, -3/4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो a-19/3 a-5 है ना, हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा मसाला, समझे? यहाँ देख रहे हो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं अपने पास, है ना, और इसमें देखो अंतर, देखो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है तुमको, ये दिखाई पड़ रहा है, ये और ये, है ना, a-19/3 है ना, ये चीज़ देखो और इसको देखो, दोनों में अंतर है, ठीक है क्या? दोनों में अंतर है, एक ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच है, दिस ब्रांच वुड हैव बीन लेफ्ट आउट, है ना, जिसको अपन इग्नोर मार के बैठ गए थे, चिल मार के बैठ गए थे रेसिप्रोकल मार के, ठीक है क्या? ये a-5 वाला जो ब्रैकेट है ये नहीं आ पाता, फिर अगर तुम रेसिप्रोकल मार के ऐसा कर डाले होते तो, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे कि मिस्टेक जो हुई थी क्लासिकल वो क्यों हुई थी। सबसे पहली बात तो ये हो जाता है 5, है ना, 19/3, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की बात है, तो 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है क्या, 19/3 होगा, है ना, ए बिलोंग्स टू ऐसा, ठीक है क्या, दिस विल बी माई आंसर, समझ गए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो एक मिस्टेक हो रही थी वो क्यों हो रही थी, है ना, दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन,
ये एक्चुअली तुम्हारा करेक्ट सॉल्यूशन है। ऐसा इसीलिए बिकॉज अगर जैसे लेट्स से तुम सॉल्व ऐसा अगर करते हो, फर्ज करो मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है 1/x है ना इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा। इसको अगर तुमने ऐसा कर दिया x इज़ लेस देन इक्वल टू 2 सॉरी हाफ ऐसा, ठीक है क्या? तो यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, तुम्हें इसे कायदे से ऐसा लिखना चाहिए 1/x है ना -2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे देखो क्या होता है 1 -2x/x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ देखो -2x -1/x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x-1/x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज़ आ रही है, ठीक है क्या? इस ब्रांच से ये चीज़ आ रही है। और यहाँ से देखो क्या आएगा x-1/2 है ना हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x ये आ रहा है, ठीक। 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो x-1/2 आएगा, ठीक है ऐसा। तो ये जो ब्रांच है नीचे वाली जो ब्रांच है ना ये छूट जाती है ना, अगर इस तरह से अगर तुम जाते हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी टू मेक RHS 0, उसमें ये रेसिप्रोकल ऐसा अगर तुम मार दोगे ना कांड मच जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या लॉजिकल फैलेसी है इस तरीके से जाने में, ये है अप्रोच 1। दिस इज अप्रोच 2, ठीक। तो अप्रोच 2 में एक्चुअल में गड़बड़ी क्या है, तुम किसी को कैसे समझाओगे, गलती हो कहाँ रही है? तो डिनोमिनेटर में जब वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है, उसको तुम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज अपने को उसके बारे में पता नहीं है। देखो क्यों नहीं कर सकते, 0/2 ±+, यहाँ देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने पे अपने को आइडिया नहीं है वेरिएबल वाले पार्ट के बारे में कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक। जैसे यहाँ देखो मैं बताता हूँ तुमको, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं लेट से -2 बड़ा है लेट से तुम्हारे, इसको ऐसा कर लो -0.5 है ना -0.5, ये बड़ा है लेट से, बड़ा है कि क्या, हाँ ग्रेटर देन है मान लेते हैं -1/3 से। ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूँ बिकॉज दिस इज 0.3 ना दिस इज 0.5, ठीक है क्या? एक सेकेंड, ये इस ऐसा होगा -0.3 -0.5, तो ये इनइक्वालिटी ऐसी हो जाती है ऐसा कुछ, ठीक है क्या? ऐसा होगा -0.3 विल बी ग्रेटर देन -0.5, ठीक है क्या? अच्छा अभी मैंने मान लेते हैं रेसिप्रोकल उठाया, ठीक है क्या? तो ये चीज़ हो जाती है -3 -2, और अगर मैंने इसको ऐसी का ऐसी रहन दिया अगर, या फिर मैंने रिवर्स कर दिया मान लेते हैं ऐसा, ऐसा अगर मैं कर देता हूँ इससे, तो खैर रुको ज़रा इसका, ये तो खैर सही हो गया मेरा, इसमें वो बात एक्चुअल में आ नहीं पा रही है, रुको। रेसिप्रोकल वाली चीज को तुम ऐसे समझो,
एक्स उसमें पॉजिटिव होगा, इस बात का एक्चुअल में जिक्र आ नहीं रहा है, समझ गए? छूट जा रहा है ना, अगर तुम यहाँ से देखो हाफ है ना, तो इसका मतलब ये कैसा आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से हाफ आ रहा है, देख रहे हो? तो एक्स क्योंकि पॉजिटिव था, ये बात यहाँ पर आ नहीं रही है, जबकि एक्स एक्चुअल में पॉजिटिव है, इस चीज़ का जिक्र यहाँ नहीं हो पा रहा है, ठीक है क्या? यहाँ पर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ज़ीरो से हाफ, ज़ीरो तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो एक छोटा सा एक ये कॉमन मिस्टेक है, ये मसाला एक्चुअल में ये मिस्टेक है ये, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक एक्चुअल में, लेकिन अगर किसी को तुम्हें समझाना हो कि यहाँ पर गलती क्यों हो रही है, कैसे बताओगे? एक इंसान बोल सकता है ना कि सर रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी उलटती है, क्या दिक्कत क्या है? यहाँ पर एक्चुअल में कायदे से ये चीज़ आनी चाहिए, समझे क्या? ऐसा क्यों? उसको देखो, मैं बताता हूँ, मैं रेसिप्रोकल अगर तुम ठोकते हो ना, एक मिनट, देखो जो पूरा एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ एक से ना, जैसे वन अपॉन एफ ऑफ एक्स है ना, लेट्स से कोई इनइक्वालिटी है ऐसा, ठीक है? अब अभी अगर किसी ने मान लेते हैं डायरेक्टली ऐसा फोड़ दिया ऐसा, ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक? नंबर्स अगर नहीं है तुम्हारे पास तो इसमें कांड मच जाएगा। अगर आरएचएस में तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर्स हुए, एक्चुअल में ये केस, फिर ये सारे केसेस एक्चुअल में एनालाइज कर पाना, आरएचएस नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, तो उसमें एक चीज़ देखो खुद कॉमन सेंस से, ये वाला जो मसाला है ना, ये वाला जो मसाला है, ठीक, दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, जाहिर सी बात है ज़ीरो से तो बड़ा होगा ही होगा, समझ रहे हो बात? ज़ीरो से तो बड़ा होगा ही ना, तो इस चीज़ के लिए तुम इतना अपने दिमाग में रखना कि कभी भी अगर वेरिएबल वाला पार्ट अगर रहे तुम्हारे पास ना, उसको ऐसा रेसिप्रोकल वगैरह करके या फिर इस तरह से ऐसा नहीं आगे बढ़ना, हमेशा पहले फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की, ये है ना, आर एच एस हमेशा ज़ीरो क्रिएट करना, ये चीज़, ठीक है क्या? अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो कुछ पोर्शन सॉल्यूशन का छूटेगा ज़रूर, ठीक है? अब मैं उसमें इस चीज़ के लिए एनालाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि वो, वरना अगर मैं एनालिसिस में जाऊँगा तो बहुत सारे केसेस वगैरह हो सकते हैं, तुम अगर अप्रोच अपनी अगर ये रखो, इस बात में कोई डाउट मत रखना कि अगर फर्स्ट स्टेप अगर तुमने आर एच एस ज़ीरो बनाकर अगर नहीं की तो बहुत बड़े कांड हो सकते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? जैसे कि ये एक सादा सा एग्जांपल था तुम्हारे पास, ठीक? ये गलती एक्चुअल में पहले भी कर चुका हूँ मैं, इसीलिए मुझे इसका पता है, ठीक है? अच्छे से तो ध्यान रखना, इसमें अगर तुमने आरचे ज़ीरो बनाकर अगर नहीं काम अगर आगे बढ़ाया तो बुरा फंस सकते हो, मतलब उसमें फिर इस तरह की चीज़ें फिर तुम्हारे पास आ जाएंगी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है क्या? जो कि ठीक नहीं है ना, इस तरह की चीज़ आ जाएगी फिर, है ना? ये ठीक नहीं है ये सब, है ना? तो ये लोचा हो जाएगा फिर, तो इसमें ध्यान में रखना, ऑलवेज मेक आर एच एस फर्स्ट, ठीक है क्या? ऑलवेज है ना मेक है ना आर एच एस ज़ीरो फर्स्ट।
ठीक, वाइल सॉल्विंग एनी इनइक्वालिटी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलवेज मेक आर एच एस जीरो है ना, ध्यान रखना, ठीक है, ऑलवेज मेक आर एच एस जीरो फर्स्ट, वरना एब्सर्ड रिजल्ट्स आएंगे तुम्हारे सामने, ठीक है क्या? तो ये हो जाती है मेरी ए की वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक लाई करेंगी, ठीक है क्या? अच्छा सवाल था ये, अच्छा इन द सेंस ठीक था, एनालिसिस में तुम कितना आगे तक खोज सकते हो ये उसके ऊपर था ये, ठीक है क्या? और उसमें क्लासिकल मिस्टेक जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो तो थी, ठीक है क्या? ठीक है देन।